भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि भारतीय जनता पार्टी विगत 5 वर्षों में संगठन ढांचे के आधार पर बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक संगठन का एक पूरा ढांचा है और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन से लेकर कार्यकर्ताओं ने लगातार तैयारियां की थी। जिस प्रकार से पूरे चुनाव में कैंपेन हुआ है, केंद्र में मोदी सरकार ने जो 5 वर्षों में कार्य किया है, उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। विकास कार्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 5 वर्षों के सरकार चलाने के बाद भी आम जनता में मोदी के प्रति विश्वास और बढ़ा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, गोरखपुर क्षेत्र में पूरा कैंपेन चला और हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कई सारे संस्थाओं ने, कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न स्तर पर लगे, उन सभी ने बड़े मेहनत से हर तरह के कई सम्मेलन हुए। तो किस तरह से हमारा पूरा कैंपेन चला और कैसे हम लोगों ने यहाँ तक की सफर तय किया और आगे परसों चुनाव है, इन सब के बारे में आप लोगों से बातचीत करने के लिए हमारे बीच में क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। तो जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र संगठन की दृष्टि से 11 जिले हैं, प्रशासनिक 10 जिले हैं, 13 लोकसभा क्षेत्र हैं, गोरखपुर क्षेत्र में आते हैं, 62 विधानसभा क्षेत्र हैं। विगत 5 वर्षों में संगठन के ढांचे के आधार पर बूथ स्तर से लेकर के और ऊपर तक संगठन का एक पूरा ढांचा है और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन से लेकर के कार्यकर्ताओं ने लगातार तैयारियां की थी। गोरखपुर क्षेत्र में कुल 205 मंडल हैं, 25,605 बूथ हैं और जिस प्रकार से पूरे चुनाव में कैंपेन हुआ है, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो 5 वर्षों में कार्य किया है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर जो सरकार चल रही है, विकास के कार्यों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार आज़ादी के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि 5 वर्ष सरकार चलाने के बाद भी आम जनता में मोदी जी के प्रति विश्वास और बढ़ा है और जिस प्रकार से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक ले जाने का कार्य हुआ है मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ आम जनता के बीच में 13 लोकसभा क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है। जिस प्रकार से लोगों ने, देश की आम जनता, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता ने एक बार पुनः मन बना लिया है मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ उसके आधार पर कि ये 5 गोरखपुर क्षेत्र में 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव 12 तारीख को संपन्न हुए थे और 19 तारीख को शेष 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। गोरखपुर क्षेत्र की सभी 13 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा और 13 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।